आज तक की डेट में मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक बहुत दुख का विषय है कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो मैं हूँ। इनको लगता है कि इनकी वजह से हम इनकी वजह से मतलब शर्मिंदा महसूस करते हैं। एक ट्रांसजेंडर का यही तो बैड लक है, उसकी अच्छाई नहीं गिनती, उसकी बुराई गिनते हैं। लेकिन आदमी लोगों की थिंकिंग बहुत बहुत चीप है, बहुत थर्ड क्लास थिंकिंग है। हमारे अपने परिवार के लोग भी हमारे अपने नहीं अगेंस्ट हो जाते हैं, हमें सोसाइटी वाले भी नहीं अपनाते। लोग ट्रांसजेंडर्स की ब्लेसिंग्स तो लेते हैं, जब खुशी का मौका हो तो हम ट्रांसजेंडर्स को बुलाते हैं, हमें दुआ दो, लेकिन बाद में उन्हीं ट्रांसजेंडर्स का मजाक लेते हैं, उन्हीं पे उन्हीं पे मजाक ले लेके वीडियोज़ बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं उन पे। गवर्नमेंट की तरफ से मैंने कई बार अपील की वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मनोज सिन्हा जी से भी कई इंटरव्यू में अपील कर दी है, लेकिन ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शंस और हमें जॉब नहीं दी जा रही है। अभी बैंक में भी नौकरी निकली थी, क्लेरिकल्स की जॉब्स निकली थी, उसमें मेल फीमेल का ऑप्शन था। इनकी डिक्शनरी में ट्रांसजेंडर्स का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर ट्रांसजेंडर जॉब करेगा उसको लोग पहले देखेंगे, है ये तो ट्रांसजेंडर है, इनके अंदर क्या होता है जो हमारे अंदर नहीं होता। ये इनकी सोसाइटी की थिंकिंग है, बायोलॉजिकल पे बात करते हैं। ये शेम होनी चाहिए। विजय सच्चाई की होगी, विजय अच्छाई की होगी, और मेरे को इस बार पूरा उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का राज होगा। नमस्कार, NHY न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा अपने पैर पसार रही है, और समाज के हर सेक्शन से वो लोग जो हैं वो इस समय उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो आज हम आपको एक शख्स से मिलाएंगे, ये जम्मू कश्मीर की जो हैं पहली ट्रांसजेंडर हैं जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुई हैं, अरनवी शर्मा नाम है इनका, इनसे आज बात करेंगे। अरनवी, मुझे बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर में आई है, क्या सोचा आपने कि एक पार्टी में जाना चाहिए, खासकर आम आदमी पार्टी, क्यों? पहले तो सबको जय माता दी, जय श्री राम। और जी, आपने यही ठीक कहा कि हम पहली ट्रांसजेंडर्स हैं जो जुड़ी हैं, लेकिन हम पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट भी हैं J&K की। और ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करके, क्योंकि ये एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने ट्रांसजेंडर्स को मौका दिया है। अभी मेरे को 3 दिन हो गए हैं ज्वाइनिंग डाले हुए इसमें, मुझे काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये एक मात्र ऐसी पार्टी है, दोज़ हु हैव गिवन अस द रिस्पेक्ट। अगर मैं भाजपा की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या आपको लगा इसमें ऐसी चीज़, ऐसी खास चीज़ जो आपको लगा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहिए, खासकर केजरीवाल का चेहरा जो है वो बड़ा माना जाता है, क्योंकि केजरीवाल मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में काफ़ी बदलाव लाया है। और अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी का राज है, और वहाँ पे जो दिल्ली के लोग हैं अब उनमें काफ़ी अच्छे सुधार आए हैं, काफ़ी अच्छी मतलब सुविधाएँ उनको मिली, गरीबों को मुफ्त बिजली वगैरह पानी की सभी प्रकार की सुविधाएँ वहाँ प्राप्त हुई। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे बिजली आप देख सकते हैं पिछले दिनों में कितनी कटोरी है, और साथ ही साथ यहाँ पे पानी की समस्या बहुत आ रही है। और मोदी जी की सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, एक ट्रांसजेंडर्स के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आप मेल फीमेल के लिए बात करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं मोदी जी, लेकिन आपकी इस डिक्शनरी में ये कहाँ पे है कि सेफ ट्रांस गर्ल, सेफ ट्रांसजेंडर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस? वही मैं बात करना चाहता था कि जिस तरीके से ट्रांसजेंडर इस समय अब आस्ता आस्ता सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं, एक पहले एक टैबो जैसा माना जाता था सोसाइटी में, मगर आस्ता आस्ता अब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी तो बढ़ गई है, लेकिन आज भी लोगों की थिंकिंग बहुत बहुत चीप है, बहुत थर्ड क्लास थिंकिंग है। हमारे अपने परिवार के लोग भी हमारे अपने नहीं अगेंस्ट हो जाते हैं, हमें सोसाइटी वाले भी नहीं अपनाते। ये एक बहुत दुख का कारण जो आज तक हमें फेस करना पड़ता है। हाँ, थोड़े लोगों में अवेयरनेस जाग चुकी है, अभी देखते हैं बदलाव कितने कितने का होगा। बाकी अभी रही बात ये आम आदमी पार्टी की, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर ज्वाइन करके, और काफ़ी अब मेरे को हर कोई पूछ रहा है कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, आपको धन्यवाद। कुछ लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी जो दादी हेड हैं रुबीना जी, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया, उनसे प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। तो मुझे आप बताइए, जिस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की, सबसे पहले तो लोग जानना चाहेंगे कि अरनवी शर्मा कौन है, क्या करती है, बेसिकली किस तरीके से आपकी स्टडी हुई, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड। अरनवी शर्मा, आज आपके सामने अरनवी शर्मा अपनी मेहनत से बनी है, उसको बनाने वाला कोई नहीं, वो अपनी खुद की चेतना से बनी है। मैंने बहुत संघर्ष किया है, मैं अभी JK की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ, और अभी फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमें फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कई बार अपील की वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से,
उसने भी कोई उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मनोज सिन्हा जी से भी कई इंटरव्यू में अपील कर दी है लेकिन ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शंस और हमें जॉब नहीं दी जा रही है। अभी बैंक में भी नौकरी निकली थी, क्लेरिकल्स की जॉब्स निकली थी, उसमें मेल फीमेल का ऑप्शन था, इनकी डिक्शनरी में ट्रांसजेंडर्स का ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ अभी फाइन आर्ट्स की, वहाँ पर भी वहाँ वॉशरूम वगैरह भी अभी कुछ अच्छे नहीं बनाए उन्होंने सरकार ने, जहाँ तक इनको बनवाने चाहिए थे। क्या बिगिनिंग से लाइफ में किस तरीके के संघर्ष रहे, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप जब आप छोटे थे किस तरीके से पेरेंट्स। जब मात्र 9 वर्ष की थी तब मुझे पता चल गया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और पेरेंट्स का आज तक की डेट में मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। ये बहुत दुख का विषय है कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो मैं हूँ, इनको लगता है कि इनकी वजह से हम इनकी वजह से मतलब शर्मिंदा महसूस करते हैं। एक ट्रांसजेंडर का यही तो बैड लक है, उसकी अच्छाई नहीं गिनती, उसकी बुराई गिनते हैं। नहीं, अगर कोई बच्चा अगर ऑटोमेटिकली अगर ऐसा पैदा होता है तो ट्रांसजेंडर में इसका कोई कसूर नहीं है। सपोर्ट एलजीबीटी की कम्युनिटी, अब तो अवेयरनेस जा चुकी है एलजीबीटी कम्युनिटी के रिलेटेड। अब तो आपको पता होना चाहिए कि एलजीबीटी की लॉ आ चुका है दिल्ली में, यहाँ पे भी होना चाहिए जॉब्स के लिए एलजीबीटी की कम्युनिटी का लॉ होना चाहिए कि वो भी नौकरी करें, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, कल को उन पर कोई उंगली ना उठा सके। क्या आपने अभी तक जो महसूस किया, आपको लगा कि एजुकेशन पाना एक ट्रांसजेंडर के लिए कितना चैलेंज है आजकल? एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर ऑल द जेंडर, वेदर पर्सन इज़ मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। द थिंग इज़ दैट ट्रांसजेंडर शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड दे शुड गेट प्रॉपर जॉब्स। आई एम टॉकिंग अबाउट वेन यू गेट फॉर एन एजुकेशन, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मुश्किलात होती है आपके सामने, फॉर्म्स आ जाते हैं, फिल करने पड़ते हैं, वहाँ ऑप्शन नहीं होता है इस तरीके का, बहुत दुविधा आती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मतलब हमारे लिए ऑप्शन नहीं होते। अब देखो पुलिस की भर्ती में भी यहाँ पे मेल फीमेल का ऑप्शन है, ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन नहीं आया जम्मू कश्मीर में। बाहर जाओ, बाहर तो सब जगह ऑप्शंस हैं, वहाँ पे तो सोसाइटी, दिल्ली में जाओ वहाँ पे तो सब एक साथ एक समान चल रहे हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। वहाँ पे बड़ी ट्रांसजेंडर जॉब करी, यहाँ पे अगर ट्रांसजेंडर जॉब करेगा उसको लोग पहले देखेंगे, है ये तो ट्रांसजेंडर है, इनके अंदर क्या होता है जो हमारे अंदर नहीं होता, ये इनकी सोसाइटी की थिंकिंग है, बायोलॉजिकल पे बात करते हैं, ये शेम होनी चाहिए इन पे। क्या चेंजेस आप करना चाहेंगे सोसाइटी में, आपको लगता है कि इसमें ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फेस की है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्या क्या चेंजेस आप सोचती हैं लाइफ? पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स को जॉब दो, उनको एजुकेशन अच्छी दो, और जो वो हैं उनको समझो, उनको अगर आप समाज नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझेगा। लोग ट्रांसजेंडर्स की ब्लेसिंग्स तो लेते हैं, जब खुशी का मौका हो तो हम ट्रांसजेंडर्स को बुलाते हैं हमें दुआ दो, लेकिन बाद में उन्हीं ट्रांसजेंडर्स का मजाक लेते हैं, उन्हीं पे मजाक ले लेके वीडियोस बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं उन पे, उन ट्रांसजेंडर्स का हर एक जोक में मजाक बना देते हैं। कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं है जिसमें ट्रांसजेंडर का मजाक नहीं लिया हो। अभी थोड़ी मूवीज़ बनी हैं हमारे लिए रिलेटेड ट्रांसजेंडर्स के रिलेटेड, लेकिन अभी मैं कहूँगी कि उससे भी काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरीके से आप लोग पॉलिटिकली इतने एम्पावर नहीं हैं, आपकी जॉब में इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है, आपके जो ट्रांसजेंडर हैं वो कहीं डिपार्टमेंट्स में नहीं है जहाँ पर आप लोगों की बात कहीं ना कहीं आप लोगों के थिंकिंग से सोची जाए। मैंने अपील की है मनोज सिन्हा जी से, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या करेगी, कुछ नहीं किया उन्होंने। ट्रांसजेंडर्स को क्या बिल दिया, कोई बिल नहीं दिया, ट्रांस बिल अभी तक यहाँ माफ़ नहीं किया, बाकी स्टेट्स में ट्रांस बिल माफ़ हो चुका है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? कई बार हमने देखा है कि सड़कों पर ट्रांसजेंडर्स जो हैं लड़ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं कि उनको हक नहीं मिल रहा, उनकी नौकरी नहीं मिल रही। किन्नर, आपकी डिक्शनरी में हमारा किन्नर समाज कहाँ गया? आई जस्ट वॉन्ट टू से डैट यू शुड गिव अस द एजुकेशन प्रॉपरली, यू शुड गिव अस द जॉब, देन यू स्पीक टू अस। कि हम लोग यहाँ पे वो धरना कर रही हैं, सबकी मजबूरी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज का बहुत बड़ा तबका है ये। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, समाज जो यहाँ पे लोग हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस, दे आर नॉट डूइंग, मेल फीमेल के लिए नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं बच्चे बेरोजगारी की तरह इतनी छा गई है यहाँ पे, मोदी सरकार ने नौकरी बंद कर दी है, यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर्स घूम रहे हैं उनको कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जॉब दे रहे, गवर्नमेंट की बात छोड़ो, गवर्नमेंट में भी सिफारिश, जिनकी सिफारिशें हैं उनका नाम आ रहा है, बाकी ट्रांसजेंडर्स का कहाँ नाम है? बाकी मेल फीमेल का भी बुरा हाल हो गया है यहाँ पे, उनको जॉब्स मिल रही जो पढ़े लिखे हैं, तो हमारा क्या करेंगे ये? तो आप मुझे बताइए कैसे आप लोग वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर आप इस समय आप
इस समय आप जहाँ स्टे करते हैं, बाकी बच्चे जिस तरीके से हैं, किस तरीके से परवरिश होती है वहाँ पर, कैसा काम होता है? वहाँ पे अच्छा, अभी तो फिलहाल मैं फैमिली में रहती हूँ अपनी, लेकिन मैं अलग रहती हूँ उनसे भी, मेरा अलग ही जगह रूम है, मैं वहाँ पे रहती हूँ, पढ़ रही हूँ। वो सपोर्ट करते हैं आपको? फैमिली के लोग कहाँ सपोर्ट करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला होगा कि कभी ना कभी सपोर्ट करते, लेकिन अब कोई नहीं करता सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो रहा मुझे अब, मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही कमाती हूँ, खुद ही पेंटिंग्स बेच के कमाती हूँ, खुद ही ब्लेस करके पैसा कमा लेती हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम द एनी मनी फ्रॉम पेरेंट्स, मेरे को नहीं मिलता। क्या और चेंजेस आप चाहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए? जिस तरीके से आप अपनी बात ज़रूर कर रहे हैं, आप जैसे हज़ारों लड़की ट्रांसजेंडर्स होंगे जो काम कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की। आज ट्रांसजेंडर्स डॉक्टर बन रही हैं, केएस बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं, एमएलए बन रही हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम भी यहाँ पे कुछ हैं। अभी जैसे मैं एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ जेएंडके की, एक ट्रांसजेंडर पढ़ भी रही है, वो जम्मू कश्मीर की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है सांबा वाली साइट की, उसको भी एजुकेशन दो फ्री, हम मेरे को भी दो एजुकेशन फ्री दो, हम तो कहेंगे, हमने अगर आप लोग हमसे पैसे ले सकते हो, फीस ले सकते हो, तो हमें जॉब्स भी दो ना। और ये कहना चाहती हूँ कि जिनको जिनके ट्रांसजेंडर्स के माँ बाप नहीं अपनाते, जो पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी सरकारी क्वार्टर दो, सरकारी क्वार्टरों में कमरे दो उनको। आपको लगता है जिस तरीके से आश्रम्स बनाए जाते हैं, देखिए मेल का, देखिए गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, देयर शुड बी कंस्ट्रक्टेड ट्रांसजेंडर हॉस्टल्स जहाँ पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी रहे, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो, चाहे वो गे हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो क्वेर हो, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, पीपल को नहीं पता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, ये एक अवेयरनेस जा चुका है। दिल्ली में भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक लॉ है, दिस इज़ द लॉ, जहाँ प्राइड होती है, उनके लिए काम किया गया, उनके लिए जॉब्स हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर जीरो है इस मामले में। तो आम आदमी पार्टी का हाथ थामने के बाद आपको लगता है कहीं मैंने दामन थामा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एक बार मोदी जी मेरे सामने आए, हम तो उनको अपील करेंगे, ट्रांसजेंडर हम धरना कर लेंगे, वो हेलीकॉप्टर के झूले लेने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी को तो यही कहना चाहती हूँ, हमारे लिए कुछ करोगे फिर हम मानेंगे ना। अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का दामन मैंने थामा है तो कुछ ना कुछ होगा, और अगर मेरे को कल को मैं इलेक्शन लड़ती हूँ या मेरे को टिकट मिलती है, तो मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगी। तो आपको लगता है कि अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतना ज़्यादा मादा है कि एक ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट करें उनको? बहुत, आम आदमी पार्टी के लिए तो सब एक समान है, चाहे वो औरत हो, बंदा हो। पार्टी में लेना एक अलग बात है, टिकट देना एक अलग बात है पार्टी में लेना फिलहाल मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे को कैंडिडेट बना लिया उन्होंने, लेकिन अगर टिकट मिलता है नहीं मिलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है कि मैंने पार्टी ज्वाइन की है, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं अब क्या बदलाव आता है, विजय सच्चाई की होगी, विजय अच्छाई की होगी, और मेरे को इस बार पूरा उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की एक वर्कर जो हैं, इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है, और इनका कहना है कि ट्रांसजेंडर के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो बायस उनके साथ इतने सालों से हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जब आम आदमी पार्टी में इस समय काम कर रही हैं, इनका कहना है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ये काम करेंगी, और इनकी ये भी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में भी वही लॉज लगने चाहिए जो दिल्ली में इस समय चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में इनकी खास डिमांड थी कि उन पेरेंट्स के लिए जो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को जो है, अगर वो गलती से या भगवान की जो मर्ज़ी से ऐसा पैदा होता है, तो उसे बेदखल कर देते हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे हॉस्टल्स बनाए, ऐसी सुविधाएं बनाए, ताकि उन बच्चों की परवरिश भी जो है आम बच्चों की तरह हो सके, और गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशल कोटा इनके लिए होना चाहिए। आप जुड़े रहे NH1 News के साथ।